तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू डेली व्लॉग। गाइस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बजे। और गाइस क्या कहूँ यार, आज मैं कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास। सो गाइस आज का सीन भी देखते हैं क्या करते हैं। यार मैं सुबह सुबह उठ गया था, जल्दी उठा था मैं, 11 बजे उठा था। तो फ़ोन का ज़रा एक मसला था, वो मैं ठीक करवाने फिर चला गया। तो फिर अब मैं फिर 12:30 बजे आ गया था, फिर मैं अभी 1 बजे व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस आज देखते हैं क्या करते हैं। और बाकी आज मेरा मुंह नहीं धुला हुआ, मैं मुंह धो के आता हूँ यार, एक सेकेंड। और आप लोगों को यहीं से वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल फ्रेश होकर, और मतलब फ्रेश भी नहीं इतना, मुँह हाथ धोकर और बाल वाल अभी सेट करते हैं। और यार आज का सीन हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पर फिलहाल तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी ईद ही बताता हूँ यार। कल के व्लॉग में अब सीन क्या हुआ पता है, मैंने अपलोड किया, अपलोड करके साथ ही पहला कमेंट ये आ गया, आपके पास ईदी कितनी जमा होगी। तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। और शायन आन की भी पूछी, तो उन लोगों को भी देख लूँ अगर हैं तो। मैंने तो अपनी एक साइड पर रख ली, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तकरीबन उसमें से मैंने खाई हुई 1000 तक, बाकी मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कितनी पड़ी हुई है। सो गाइस अभी आयान भी आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूँ, और मेरी ईदी के पैसे भी आ चुके हैं। तुम लोग सोच रहे हो ये लड़कियों का पर्स, आयान पकड़ो, नहीं ये फ़ोन पकड़ो। ये लड़कियों का पर्स में मैंने अपनी ईदी रखी थी यार, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कितनी ईदी है। तो दादा करीब आ जाओ, ये रही दी, इतना भी करीब नहीं है, इतना भी करीब नहीं, थोड़ा दूर। अरे भाई आयशा नूर भी आ गई बाहर, इस कागज को तो हटाओ जी। 1000, अच्छा सही है, ये हो गए 1500, 1500, ठीक है 1500 ही होते हैं ना यार। मुझे भी दिखाओ ना यार वीडियो में, मेरे YouTube चैनल मुझे नहीं दिखा रहे हो। 1500 के बाद फिर 100, फिर 100, 100 ज़्यादा ही 100 जमा हो, 100, 100, 150, फिर 10, 10, 10, 10, 10, फिर 10, 10, 10, कुछ ये ही जमा हुई मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा फकीरों वाली। उसमें से मैंने 1000 रुपये खा लिए, क्योंकि ज़रा देखो ना तुम लोगों को भी पता है दोस्तों के साथ होते हैं। और इंग्लिश भी तो देख ली। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ कि जो शायन है लोग हैं ना बुल करिए है अंदर, इन लोगों के साथ अभी करते हैं एक पेन। मेरे पास है एक पेन जो है करंट वाला, पर ये इतना ज़रा रंग सा है, पर ये इतना तेज़ भी करंट नहीं देता, पर शायन आन के लिए तेज़ होगा। तो इन लोगों के साथ ये पेन करते हैं, मैं अभी बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार शायन आन ज़रा ये खोलो इधर कुछ लिख दूँ यार, मेरे को चाहिए, मैं एक कागज़ ले आता जिसमें मैं बोलते इधर कुछ लिख दूँ, एक सेकेंड मेरे जेब में अगर कोई नोट होंगे, हाँ हाँ 50 का नोट हो, तो बोलते हैं कि इस कागज़ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ सही इस नोट पे। तो अभी उन्हें बुलाता हूँ, जेब उनसे खुलाते हैं और इसमें करेंट है। तो शायन सीरियस हो गया ना, शायन यान व्लॉग बन रहा है। शैन यार इधर कागज़ पे देखो, इधर लिखते हैं ना 50 रुपये सही है, RS लिखते हैं 50 सही है, फिर देखते हैं दुकान पे भेजते हैं सही है। तो तुम इधर है ढक्कन खोल दो यार, क्या मेरे को से ये भी नहीं। अरे भाई वो तो करंट था ना, मज़ा आया। आयान आयान तुम भी आ जाओ, अरे आयान नहीं है, अरे नहीं है शैन, झूठ बोल रहे हो ना, करंट तो नहीं था ना, नहीं था। अरे आयान आयान प्लीज यार आयान, देखो आयान मैंने बंद किया, करंट तो नहीं है, तुम खाली खोल लो। था ना मजा आया, चलो आ जाओ अभी इस पे कागज पे लिखते हैं, कागज जल जाएगा देख लेना तुम लोग।
क्या लिखें? करंट नहीं देते लिखते समय। तुम दोनों को इस पेन से करंट मिल गया, कैसे लगा? नहीं, हाँ यहीं से, पता नहीं यार ये यहाँ पर कहीं, हाँ यहीं पर है, जरा गुदगुदी से खोल लिया, यहीं पर है शायद इसका करंट, ये तुम लोगों ने खोला ना तो शायद इसमें भी है। चलो यार अपने को क्या है, तुम दोनों को तो करंट लग गया ना, मजा आ गया? नहीं। चलो सही है, तुम लोग जाओ भाई। तो अब फिर से लोग कहीं पे जा रहे हैं, इन लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक हो रहा था, सो प्रैंक इन लोगों के साथ हो गया, और अब मैं देखता हूँ यार मैं क्या करूँ। अब यार आजकल रमजान अभी ख़त्म हो गया ना, तो अभी बंदे को कुछ मिलना ही नहीं। वैसे मैं बोलता था ना कि रमज़ान है तो कंटेंट नहीं मिल रहा, अब रमज़ान चले गए तो भी कंटेंट नहीं मिल रहा, तो फिर भी देखते हैं यार अब क्या करें, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए भाई थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो वहाँ ये अपना एक फ़ोन ख़राब हो गया, मैं सुबह सुबह तुम लोगों को बताऊँ ना, ख्वार हुआ अपना फ़ोन लेके गया था सही करवाने, अब फिर से ये वाला फ़ोन ख़राब हो गया, ये मेरे बड़े भाई का, सो अब ये सही करवाने जाऊँगा और देखते हैं ये क्या सीन होता है इसका। ये भाई इसके पैसे फिर कैसे आएंगे ये भी बता, ये और नहीं हो रहा सही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो बस अभी चलता हूँ वहीं पर आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने फ़ोन सही करवाने के लिए दे दिया और उसने बोला एक घंटे बाद आप, थोड़ी देर बाद ही हम लोग फिर जाएंगे वहाँ पर फ़ोन लेने। तो गाइस अभी मैं और वो दूसरा जो मेरे साथ मेरा कज़न गया था, हम दोनों घर पर वापस आ चुके हैं, और अब का यार सीन कुछ हुए कि उसने बोला एक घंटे बाद आना ना, तो हम लोग जाएंगे एक घंटे बाद ही, अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं और जाएंगे तकरीबन हम लोग फिर 3:30 बजे, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे हम लोगों ने वो दे दिया था और हम लोग घर पर आ चुके थे, और फिर हम लोग का सीन था 2:30 बजे दिया था, तो बस एक घंटा हो जाएगा 3:30 बजे, तो फिर 3:30 बजे हम लोग जाएंगे वो फ़ोन लेने। तो फिलहाल के लिए मैं ज़रा सो गए, फ़ोन को लाने का टाइम हो चुका है यार, 3:30 बज चुके हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, सो अब चलता हूँ फ़ोन को लेके आने के लिए। और गाइस मैंने आकर बटन अपना बंद कर दिया, अभी तक खुला हुआ था, पता नहीं मेरे को सही लग रहा, सही दिख रहा था नहीं दिख रहा था कैसे था, तो बस अभी फिलहाल मुँह कर दिया, तो वो तो फिर बाद में जब मैं वीडियो देखूँगा ना तभी मुझे पता लगेगा कि मैं कैसे दिख रहा। सुबह सब तो 3:30 बज चुके हैं, मैं जाता हूँ फ़ोन को लेने। सो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ और 5 बज चुके हैं, बहुत थक गया यार। हाय, और तुम लोगों को एक बैड न्यूज़ सुनाऊँ, फ़ोन भी सही नहीं हुआ, फ़ोन वही ख़राब का ख़राब उसने वापस दे दिया, उसने बोला सही नहीं हो रहा, तुम इसे कल ले आना, तो कल फिर मैंने इसे मार्केट ले जाऊंगा, और मतलब मैं भी एक मार्केट ही गया था पर उसने बोला मैं दूसरे मार्केट ले जाऊंगा, तो वहां से पता नहीं इसका कोई सामान है वो मिल जाएगा कि क्या सीन था, तो उसने यूँ बोला ना, मैंने बोला चलो सही है भाई, अब देखते हैं कल लेके जाते हैं नहीं जल के जाते हैं। और बाकी अभी फ़ोन वैसे ही ख़राब खराब मैं ले आया घर पर रख दिया, वैसे भी मेरा फ़ोन नहीं है मेरे भाई के, आज मेरे यार 2-3 चक्कर रखे हैं वहाँ मार्केट पे, एक बार गया अपने फ़ोन के लिए, फिर गया दूसरे फोन इस फ़ोन के लिए, फिर आया फिर से गया इसी फ़ोन के लिए, अब फिर से आ गया, अब रख दिया, अगर अब कल से फिर से जाना पड़ जाए, नहीं जाएंगे यार कल, बस थक गए यार, बार बहुत धूप भी होती है और थक जाता है इंसान, सो बस गया। अब फिलहाल ज़रा मैं एक बार फिर से बाहर ज़रा राउंड मारता हूँ, खुद के लिए कुछ उठाता हूँ यार, कुछ खाने पीने के लिए, घर पर भी है पर दिल नहीं कर रहा, सो बस उठाता हूँ खाने पीने के लिए। जिधर मेरा खाना वाना भी आ चुका है, बस मैं ये खाता हूँ और फिर आप लोगों को खाना खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, 9 बजने में ज़रा 15-20 मिनट है, सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और बस खाना वाना खाता हूँ। आज के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा शायद आंडो के साथ एक प्रैंक हो गया मेरे साथ, तुम लोग यूँ जुड़े रहो ना, आगे आगे बहुत ज़्यादा प्रैंक होने वाले यार, शायान आयान के साथ, राहिब के साथ, राधे के साथ, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा प्रैंक होने वाले, सो अब कल का देखते हैं क्या सीन बनता है। सो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आज वैसे थक बहुत गए कि 3 बार हम लोग गए चक्कर लगाया मार्केट और फ़ोन का सिस्टम सही किया, बाकी मेरा फ़ोन तो बिल्कुल ओके हो गया,
और शुक्र है कि मेरा फ़ोन ओके हो गया भाई, नहीं तो आप लोगों को आज की वीडियो नहीं आती, कल की भी नहीं आती। सो बस इस व्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।